हेलो गाइस। सो अभी एक वीडियो बनाया था मैंने रिगार्डिंग आईसर वर्सेज आईआईटीज फॉर रिसर्च, और उसमें मैंने एक मिथ को ब्रेक करने की कोशिश की थी। सेकंड, मैंने कुछ लोग को ये भी बात करते हुए सुना है कि आईसर जो हैं दे आर ग्रोइंग ग्रेट, और उनमें जो प्लेसमेंट है वो आईआईटीज को मैच कर देगी या पीछे छोड़ देगी। वेल, मैं आईसर को डिमीन नहीं करना चाहता, मेरा अपना कॉलेज है, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आप इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं कि आप आगे जाके रिसर्चर बनेंगे या आप इंडस्ट्री में जाएंगे, देन एनी गिवन डे आईआईटीज आर अ बेटर चॉइस। मैं ये नहीं कह रहा कि आईसीएस में प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होगी या फिर आईसीएस से लोग अच्छा नहीं करते। आईसीएस में लोग हर वो चीज़ करते हैं जो आईआईटीज में लोग करते हैं। हैकाथॉन हो गया, जीसॉक हो गया, कोडिंग कॉम्पिटिशन हो गए, हर वो चीज़। लेकिन आईआईटीज दे सिंपली हैव अ बेटर पूल ऑफ इंजीनियर्स एंड अ बिगर पूल ऑफ इंजीनियर्स। तो होता ये है कि वहाँ पे जो होता है, कंपनीज दे प्रिफर टू रिक्रूट फ्रॉम, बिकॉज उन्हें एक बार में ही बहुत अच्छे स्किल लेबर्स मिल जाएंगे काम करने के लिए, और इसलिए वहाँ पे प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। उनका प्लेसमेंट सीज़न हमसे बहुत पहले स्टार्ट होता है, उनका इंटर्नशिप सीज़न भी हमसे पहले स्टार्ट हो जाता है कुछ केसेस में। तो अगर आप इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं कि आप आईटी जाएंगे या आईसर जाएंगे और उसके बाद सोचेंगे कि आपको रिसर्च करना है या आपको इंडस्ट्री में जाना है या इंडस्ट्रियल रिसर्च करनी है, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप देख लो, अगर आपके पास कोई डिसेंट रैंक्ड आईटी है तो आप प्लीज़ उसको चूज़ करो। ठीक है, अगेन ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, बट येस, आईटीज डू हैव अ बेटर प्लेसमेंट एंड आईआईटीज जाके भी आप एक अच्छा रिसर्च करियर बना सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको आईसर आना है, सो डू योर ओन एनालिसिस, कौन से आईसर में जा रहे हो, वहाँ क्या है नहीं है, क्या होने का पोटेंशियल है क्या नहीं है, उसके बाद पिक करो। गुड लक।